Hi guys, welcome to Number X. In this lecture, we will solve exercise 1.1 of NCERT Maths Class 9. So let us start. पहला क्वेश्चन है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी ओवर क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो? आप सभी को पता है कि रेशनल नंबर क्या होता है. रेशनल नंबर है पी ओवर क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहां पे क्यू जीरो नहीं है और पी और क्यू सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं. ओके, अब रही बात जीरो की, कि जीरो रेशनल है कि नहीं. तो क्या हम जीरो को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? डेफिनेटली लिख सकते हैं. आप जीरो को जीरो बाई वन लिख लीजिए, जीरो बाई फाइव लिख लीजिए, ऐसे करके आप न्यूमरेटर में जीरो रखें और डिनोमिनेटर में नो कोई भी नॉन जीरो इंटीजर रखें तो वो जीरो ही होता है. इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि जीरो इज अ रेशनल नंबर. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड सिक्स रेशनल नंबर्स बिटवीन थ्री एंड फोर. हमें थ्री और फोर के बीच में छह रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं. थ्री को आप लिख सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में 30/10, और फोर को आप लिख सकते हैं 40/10. चूंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो हमें 30 और 40 के बीच में कोई भी सिक्स नंबर्स यदि हम न्यूमरेटर में रखें और उसका डिनोमिनेटर 10 ही रखें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. इस तरह से मैं लिख सकता हूँ 31/10, 32/10, 33/10, 34/10 एंड 35/10. इस तरह से आप और भी लिख सकते हैं, दैट इज 36/10. कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, फाइंड फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5. 3/5 को आप लिख सकते हैं 30/50, और 4/5 को आप लिख सकते हैं 40/50. ओके, इन दोनों के बीच में हमें फाइव रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं. तो ये इजी है, आप लिख सकते हैं 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड 35/50. ये सारे रेशनल नंबर इन दोनों फ्रैक्शन के बीच में ही होंगे. स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स. पहला स्टेटमेंट है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. आपने नंबर लाइन देखा था, यदि नंबर लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ तो सारे नेचुरल नंबर को आप लिख सकते हैं 1, 2, 3, ऐसे करके आप दिखा सकते हो. और होल नंबर क्या होता था, यदि हम यहाँ पे जीरो इंक्लूड कर लें तो ये होल नंबर बन जाते थे. तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, डेफिनेटली ये ट्रू है. सेकेंड स्टेटमेंट है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. यदि हम यहाँ पे नेचुरल नंबर्स का अपोजिट भी इंक्लूड कर देते हैं तो ये टोटल बन जाता है सेट ऑफ इंटीजर्स. हमसे ये बोला जा रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या ऐसा है? नहीं, निगेटिव वन इंटीजर है लेकिन ये होल नंबर नहीं है. सिमिलरली इसके लेफ्ट में जितने भी निगेटिव इंटीजर आएंगे वो सब भी होल नंबर नहीं है. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. तीसरा स्टेटमेंट है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर. ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि 2/3 एक रेशनल नंबर है लेकिन ये होल नंबर नहीं है. यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें. यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.